हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लेके आई हूँ आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, जो कि है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पे सीधी भर्ती कर रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, एक विज्ञापन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं 1 अप्रैल 2022 मध्याह्न 12 बजे से 30 अप्रैल 2022 रात्रि 11:59 तक के लिए। तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट की सभी जानकारियां मैं इस वीडियो में दूंगी, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित समय पे आपके तक पहुंचती रहें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ दी गई हैं, उनको देखते हैं। विज्ञप्ति पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कोई मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वह परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा, चाहे वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क वेब पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2022 के मध्याह्न 12 बजे से 30 अप्रैल 2022 11:59 बजे तक पर किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 1 मई 2022 उपरांत 12 बजे से 5 मई 2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके फॉर्म सही से भरे जाएं केयरफुली, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म फिलिंग में, तो आप ऑनलाइन उसको त्रुटि सुधार के माध्यम से सही भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 6 मई 2022 को मध्याह्न 12 बजे से 10 मई 2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु ₹100 शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। श्रेणी सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है, तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा। किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमें बहुत केयरफुली एडवर्टाइजमेंट को रीड करेंगे, ताकि हम जब ऑनलाइन फिलिंग करेंगे अपने फॉर्म की, तो उसमें कोई गलती ना हो। हमें बहुत केयरफुली फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है, तो हमें एक एक चांस दी जा रही है, जिसमें कि हम सशुल्क या बिना शुल्क के अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। तो आगे हम इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं क्या क्या दी गई है, ताकि आपका फॉर्म बहुत अच्छे से भरा जा सके। टोटल 20 वैकेंसीज हैं, जिनका कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 है आपका होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का जो पद है,
तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कैटेगरी वाइज और बैकलॉग का डिफरेंशिएशन है। आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं क्रमांक 591/2012, रीट पिटीशन क्रमांक 592/2012, रीट पिटीशन क्रमांक 593/2012 तथा रीट पिटीशन क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्ग रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल निवासी निशक्तजन ही मान्य होंगे। रिक्तियों में आरक्षण। उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 3 में उल्लेखित है। इन सभी परिशिष्टों को अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी इनएलिजिबल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसको अभ्यर्थिता चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। पद का विवरण वेतनमान शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। पद का नाम होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। सेवा श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। वेतन मैट्रिक्स लेवल 12। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ केंद्रीय होम्योपैथी परिषद CCH द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित या केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी शासकीय संस्था में 2 वर्ष का अनुभव। छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद या मंडल में स्थायी पंजीयन। परीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा परिवीक्षा पर ही की जाएगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2022 को 22 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।
उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होती है। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दैट इज एनओसी, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत बैंक निजी संस्था एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपनी नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें। यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हों तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परंतु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भार मुक्त न किए जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है, तो इसके लिए आयोग शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट दो में प्रकाशित है। परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रसित छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹300 तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400 आवेदन शुल्क देय होगा। ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि लिंग वर्ग मूल निवास दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए ₹100 का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी ली जाएगी। सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। परिशिष्ट एक में देखते हैं जिसमें परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है। चयन दो चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा 300 अंक, साक्षात्कार 30 अंक, कुल 330 अंक। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 है, 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, अंक इसके 300 हैं।
भाग एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, 50 प्रश्न जिसके जो कि 100 अंकों के होंगे। मतलब आपको तैयारी करते समय छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन करके जाना है। भाग दो में होम्योपैथी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 प्रश्न होंगे 200 अंक के। तो ऐसे कुल यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, 300 अंक का पेपर है आपका। परीक्षा में प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ ब स और द में समूहीकृत किया जाएगा, जिनमें से केवल एक उत्तर सही निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही निकटतम सही माने गए अ ब स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा, ठीक है, जिसका उन्होंने निम्न सूत्र दिया हुआ है। पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने सिलेबस को कवर किया है हमारे BHMS के सिलेबस को। तो आपको बहुत अच्छे से परिशिष्ट 2 को देखना है, उस हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। साथ में हमारा जो विपश्यना होम्योपैथी चैनल है, ये सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कराता है। तो आपके हमारे वीडियोज भी कंटिन्यूसली तैयारी के लिए देखने हैं। लिखित कौशल अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई अहरकारी न्यूनतम अंक नहीं है। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अहर घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार की लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चयन सूची उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार प्रावधानित होगी। इसके बाद परिशिष्ट सेकंड जो है जिसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है एग्जाम का, वो आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिलेबस आपको ढंग से समझाऊंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब हम सीधे परिशिष्ट 3 को देख लेते हैं। परिशिष्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, कैसे भरनी है, उस बारे में परिशिष्ट 3 है। तो आइए बड़े ध्यान से उसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी इत्यादि को परिविशिष्ट करने पर यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड सुरक्षित रखे। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी ना बदले तथा उसे एक्टिव रखे। मोबाइल व अथवा सिम खो जाने या खराब होने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को संपर्क कर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नंबर को चालू करवाए। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर ही दी जाएंगी। अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ईमेल आईडी पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। सबमिट बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपना आवेदन की रसीद प्राप्त होगी।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप खुद या ई मित्र या साइबर कैफे पर जाके ये फॉर्म परीक्षा शुल्क दे के भर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, आपका जो फोटो अपलोड होगा वो आपका रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए। जैसे कि अभी जो विज्ञापन आया है उसके बाद आप जाके फ़ोटो खिंचवाएं जिसमें आपका बैकग्राउंड बहुत ही लाइट कलर का या वाइट कलर का होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे अभ्यर्थी का नाम एवं फ़ोटो खिंचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। फ़ोटो खिंच जाए उसके बाद आपको उसको स्कैन करना है। JPG में अपलोड होगा फ़ोटो जिसका मैक्सिमम साइज़ 100 KB हो सकता है। उस फ़ोटो की 3 हार्ड कॉपीज़ आप अपने पास रखें, ठीक है। वैसे ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हैं तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश सुन लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी एक सफ़ेद कागज पर काले बॉल पॉइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उस निर्देश अनुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर JPG फाइल अधिकतम साइज 100 KB तैयार करवा ले। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंट को नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी ऑनलाइन आवेदन में चाही गई वह सही सही प्रविष्ट की जाए। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में ये समझ लिया गया है कि आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है यह प्रमाणित जानकारी है, अतः ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक भली भांति पढ़ ले समझ ले। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को सबमिट बटन क्लिक कर जमा करे तथा आवेदन शुल्क अदा करे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है, अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी फ्रॉम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे मैसेज करके माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी की तैयारी हम हमारे चैनल पर प्रॉपरली कराएँ तो इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा।